क्या बोल रहा है इसके बारे में? किधर यार यूज होता है वो याद है, और लगा तेल लगाने गॉगल में इधर उधर फलाने इनका याद हो गया है, इसलिए ना इधर उधर की बातें बताने का ही नहीं, जो सब्जेक्ट होता है वो तो याद ही रखते है। निकोल्स हाँ, okay. वो नहीं पढ़ा वो याद है ना, इसलिए याद है कि नहीं पढ़ाया था आपने। करने का समझता नहीं, किधर जाके पूछू मैं, अब गिरते गिरते में भी डाउट पूछ लेंगे। मर रहा पहले बता के जा, इक्वल सिस्टम क्या है देखो, अब यहाँ पे पोलराइजेशन है ना, सिर्फ पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, ये कहीं ना कहीं सबने कभी ना कभी देखा है, कभी ना कभी यूज किया। इसके सबसे बेसिक एग्जांपल है वेयरिंग पोलरॉइड्स ना, एक स्पेशल टाइप के ग्लासेस आता है, इसका जो ग्लास होता है वो पोलरॉइड ग्लास होता है, इसका नाम हमने रखा सन ग्लासेस है ना। सन ग्लासेस का यूज क्या है कि जब थोड़ा एक्सट्रीम हॉटनेस होता है, थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, तो सन से आने वाली रेज हमारे आई को थोड़ा सा इरिटेट करती है ना, हम इजीली उसमें देख नहीं पाते है ना, वी नीड टू सी विद स्ट्रेन्ड आईज, हमको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है आपके कभी कुछ देखना है। तो इसलिए हम क्या पहनते हैं, सन ग्लासेस ना, सन ग्लासेस पहनने से हमारे आई को थोड़ा रिलीफ मिलता है, एंड वी आर एबल टू सी मोर क्लियरली एंड कैन आई से मोर विद रिलैक्स है ना, आपको इतना प्रेशर इतना ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। नेक्स्ट में आपने कभी देखा होगा, 3D मूवी देखी है कि नहीं कभी? सब पहले कर लेते आप लोग। 3D मूवी में ग्लास देता है पता है, कभी कभी घर पे लेके आ जाता है कि घर पे भी सबसे 3D में देखूंगा अभी। तो वो जो 3D मूवी का प्रोसेस है ना, दैट इज बेस्ड ऑन पोलराइजेशन। कोई भी जो लाइट होती है ना, उसमें दो टाइप की रेज होती है, एक होती है ऑर्डिनरी रे, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। पर यूजुअल लेवल पे ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ में होती है। ऑर्डिनरी रे का मतलब क्या, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का मतलब है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, दोनों साथ में कंबाइंड है। 3D मूवी में क्या होता है कि ये दोनों का अलग किया जाता है, इनिशियली वो कंबाइन ही होगा, वो है अलग अलग पर एक दूसरे का ओवरलैप कर ले। आप नॉर्मल आई से देखते हो तो आपको ओवरलैपिंग दिखता है, पता है ना, आप जब चश्मा निकाल के देखो तो थोड़ा ब्लर दिखता है ना, डबल डबल इमेज दिखाई देता है ना, सो दे आर ओवरलैपिंग। बट जब आप चश्मा पहनते हो तो ये जो पोलरॉइड है ये दोनों रे को सेपरेट आउट कर देता है, ऑर्डिनरी रे को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। जो ऑर्डिनरी रेज है ना वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है वो 3D इफेक्ट दे रहा है, आगे आता हुआ दिख रहा है ना, दैट इज ड्यू टू व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखो आप चश्मा निकालो पहनो दिखेगा आपको आगे पीछे जाते हुए, चश्मा नहीं है पोलराइज नहीं है तो वो ओवरलैप कर रहा है, चश्मा है तो वो अलग हो जाए। कभी अगर अपने 3D मूवी गए रहे, कभी रैपर के अंदर चश्मा होता है ना, तो कभी रैपर को थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे तो उस पर लिखा होता है पोलरॉइड्स करके, ओनली फॉर 3D मूवीज करके ऐसा करके। तो पोलरॉइड्स का मतलब क्या है, पोलराइजर्स, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, पोलराइजेशन, समझ में आ रहा है। कैमराज भी होते हैं पोलराइड कैमरा, ये आईफोन का फोन का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, तो उसका सेलिंग पॉइंट है वो उसका कैमरा है ना, सही ना। नॉर्मल फोन यूज करो, ओप्पो वीवो और फलाना डेल का, उसमें हमको खुद को एडजस्ट होना पड़ता है, धूप बहुत आ रही है, काला लग रहा है इधर, कुछ ज्यादा ही ब्राइट लग रहा है, आंखें नहीं दिख रही है, पूरा भूरा हो गया है, फिल्टर भी ऐसे होता है इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा है, क्या कर दिया है भाई। ये एडजस्टमेंट खुद क्यों नहीं कर पाता है वो कैमरा, अब आईफोन में देखो, आईफोन में आपको कभी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आईफोन लो फोटो खींचो कहीं ना कहीं बराबर ही आता है,
जिसमें पोलर रॉड होता है, वो अपने आप लाइट को एडजस्ट करना जानता है, कितना लाइट कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से यू क्लिक द फोटो। अंधेरे में नहीं होगा, लाइट एडजस्ट कर लेता, लाइट भी चालू कर दिया था, फ्लैश चालू करके तो भी एडजस्टमेंट कर लेता है वहाँ। तो ये सब पोलराइड कैमरा होता है, इसलिए आईफोन का जो फ़ोन होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, हमको तो कुछ ज़्यादा ही भाव में बेचता है यार। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अराउंड 35-40 हज़ार में बन जाता है फोन, हमको चिपकाते 1,40,000 और हमारे तो स्टेटस सिंबल ही है ना, जेब में तो जाता ही नहीं फोन, हाथ में रहता है पता नहीं गिरी है क्या। हाँ है मेरे पास आईफोन, उसका कर्जा भर रहा हूँ मैं महीने महीने ये मैं चल रहा है मेरा सही ना। कुछ भी खरीद लेना जिंदगी में, आईफोन मत खरीदना, खरीद के देख लिया मैंने एक बार, पसीना पसीना छूट जाता है, एक तो मर जाता है, होता है फोन चलना नहीं है, उसमें दो सिचुएशन है, या तो फोन चल गया तो मर गया, बीच का रिपेयरिंग का सिस्टम ही नहीं है उसमें, सीधा डेड होता है वो, डेड बनाने जाओ तो जितने फोन थे उससे डबल खर्चा बताते हैं कि इंसान खरीद ही रहे आके नया फोन। सब स्ट्रैटेजी है, डैडी को बोला तो 15,000 का फोन है, सर्विस सेंटर में गए तो 16,000, तो वो बता रही है खर्चा, डैडी अभी तक टेंशन में होता है, फोन 15,000 का, खर्चा 16,000 का, अभी तक कौन सा फोन खरीद लिया इसने। उसके बाद हाँ कान पकड़ा भाई, आईफोन आईफोन नहीं, अभी भड़का रहे सबके सब, देखिए आईफोन ले लो करके, चार्जर नहीं देते, ये कौन सा नाटक है, फोन खरीदो चार्जर नहीं, जो 8 बजे से चार्ज कराओ, चार्जर चाहिए 2,000 एक्स्ट्रा लो, पता ही नहीं नया नाटक भाई, फोन आता है चार्जर नहीं आता, और एयरपोर्ट आता है 20,000 रुपये का, कोई घर वालों की गालियाँ सुनने ना एयरफोन लगा के काम किया है मेडिकल में, ये सब फलाना ढिंका है, समझ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी ले सकते, कभी BMW की गाड़ी देखी है, नसीब हुआ है कभी दो लोग तो दिना भी देखे बैठा भी हूँ, जैसे गरीब नहीं हो मुंबई के ट्रेन में धक्के खाते रहते करके BMW वगैरह जो होती है, मर्सिडीज वगैरह पता है सब वाइट लाइट होती है, और फिर कुछ राइडर्स भी होते हैं पता है जिनके गाड़ी का हेडलाइट भी वाइट होता है, पर BMW के हेडलाइट में और इनके गाड़ी के हेडलाइट में डिफरेंस है, इनके गाड़ी का हेडलाइट खुद तो मरते ही है, बाकी के 4 लोग को भी लेके मरते ये इतना ज्यादा ब्राइटनेस होता है कि आंखों में आके से छुपता है कि सामने वाला गायब, ब्लर सीधा आंख खुलते ही ऊपर वाला दिखाई देता है क्या हो भाई, तो हिसाब कर नहीं नहीं मैं तो दूध लेने निकला था इधर किधर आ गया है ना, वाइट लाइट है ना गाड़ी में, 80 रुपए की लगाई है, 100 की, तो और ज्यादा प्रैक्ट है, 10-15 लोग मरते होंगे, पूरा मीरा एक साथ गया लाइट लेके निकल सब गया, कुछ भी वही लाइट के चक्कर में गिर जाता रहेगा वो गाड़ी यूज नहीं करता, गाड़ी मारने के लिए किसी से बदले लेना लाइट के लिए सच में। तो इसमें डिफरेंस है, आप BMW लाइट को देखते कभी वो आंख में इरिटेट नहीं करता ना, पर इन लोग की लाइट देखो आंखों में जाएगा तो ब्लैक आउट होता है, समझता नहीं होता है, अंधेरा खाते गाड़ी चला रहे हो अंधेरा लेके, इसका रीजन क्या है, BMW के व्हाइट लाइट के आगे ग्लास होता है, दिस इज अ पोलराइड जिसके इंटेंसिटी को कम करता है, इनके लाइट के आगे सिर्फ मौत होती है ग्लास वगैरह कुछ नहीं होता है, तो व्हाइट लाइट 500-600 की लाइट में कहाँ सा पोलराइड यूज करेंगे है ना, इसलिए उनका जो इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो जाता है। फिर कार में अगर आपने देखा होगा तो पता ना विंडशील्ड होता है ना, ड्राइवर्स ग्लास होता है कि नहीं, उसमें से कभी आप सन को देखो, कभी आप बाहर का देखो तो आपको ना हिट नहीं करेगा आई पे, साइड ग्लास से देखो, अभी तो चलो सब कार में हर एक ग्लास पोलराइड हो गया,
पहले जो मारुति ऐसा जब बैठे आती थी ना वो छोटी सी जेब में लेके जा सकते हो तो वैसे सब गाड़ी में आप आगे ग्लास से देखोगे तो सन का वो जो रेज हिट नहीं करेगा आगे में, इरिटेट नहीं होगा, और अब साइड ग्लास से देखोगे उतना इंटेंसिटी ज्यादा आएगा। अभी ड्राइवर के अगर ग्लास में वो हिट करके आई में हिट कर रहा है और इरिटेशन हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा ना चलाने में, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इस तरह पोलराइड ग्लास होता है, ऐसे आप बहुत सारी जगह पे देखते हो कि पोलराइड ग्लास का यूज होगा। समझ में आ रहा है? मुंबई वगैरह घर कभी गए हो तो पता है वहाँ पे आगे मूवीज वगैरह भी देखा होगा, बहुत सारी कांच की बिल्डिंग होती है ऐसा, उन्होंने ग्लास की बनी हुई, उसका पता है कलर कैसा होता है, थोड़ा सा डार्क होता है ना, उसके ऊपर पोलराइड शीट्स होती है, क्योंकि अभी अंदर जो बैठा है ग्लास तो लगा लिया है, अंदर आ रही है धूप, गर्मी के कारण मरे जा रहे सबके सब, सही ना? ये आपको पता है कि नहीं, जब ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ये स्टार्टिंग में बनाया था इसको ऑर्डिनरी ग्लास से बनाया था, तो इतने हाइट पे जब सनरेज आता है तो इतना हाई टेम्परेचर होता है, अबाउ 50 होता है, नीचे आते हैं तो डायल्यूट होता है ना, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका ग्लास ही टूटने लग गया, क्रैक होने लग गया। फिर उन्होंने नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका ग्लास वगैरह बिल्डअप किया, थोड़ा केमिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, और अभी वो ग्लास चलता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है? उसका भी कुछ तो रूल है उनका कि हमेशा ऐसे चालू ही होना चाहिए ऐसा ऐसा करके, समझ में आ रहा है? तो वो सब ये सब उसके ऊपर पोलराइड शीट्स लगे होते हैं जो लाइट के इंटेंसिटी को कम करता है, एंड इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी। वैसे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे ना बेसिक बेसिक एप्लीकेशन में भी पोलराइड्स होते हैं, इनका काम क्या है, लाइट का इंटेंसिटी रिड्यूस करना, बढ़ाना कम करना, कम ही करना होता है मोस्टली, समझ में आ रहा है? तो ये सब एप्लीकेशन है किसका, पोलराइजेशन। हमको यहाँ पे इंटरेस्ट है कि पोलराइजेशन होता कैसे, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर, हाउ डू यू रिड्यूस द इंटेंसिटी, हाउ डू यू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वही हम सीखते हैं पोलराइजेशन। अभी सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो पोलराइजेशन का नीड क्या है, क्यों करना पड़ता है, और ऐसा क्या है पोलराइजेशन जो हमको सीखा है। अब इसी हम अगर बात करें लाइट की, चैप्टर के स्टार्ट से बोल जा रहे, चैप्टर का नाम क्या है, ना बड़ा बोलते अंदर तक दिखाई देता है, ये देखो मैं क्या खाया उधर, ये डॉक्टर बनने वाले हैं, अच्छा हाँ ये पढ़ता तो बाहर फिर भी छी हूँ। देखो इधर अभी नाटक बाजी खाली, क्या बोल रहा था मैं, हाँ अभी वो इस चैप्टर का नाम है बोला नाइट किसके मुंह में ट्रैवल करता है, आपने पूरा वेव्स का चैप्टर भी पढ़ लिया, टेस्ट भी दे दिया, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहते इजी था करके, वेव्स के कितने नेचर होता है, कितने नेचर होते हैं, जैसे आपका नेचर है ऐसे वेव का कौन सा नेचर होता है, कितने होते हैं, दो ना, तीन बोली ना आप कितने है, दो ना, कौन सा बस क्या अभी जाने वाला था, ट्रांसवर्सल याद है ना, ये ऊपर वाला बच्चा है आपके पेशेंट कुछ रो नहीं, ऊपर वाला भी क्या करे, बोले मेरे पास थोड़ी आया था, उसके बाद क्या हमारा जाके लाइट बोलो किसी को ट्रैवल करता है, वेट कितने नेचर होते हैं, दो, ट्रांसवर्स है, बता दो ये मतलब, बता दो ट्रांसवर्स का मतलब क्या, हाँ कौन 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 परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, पैरेलल, हाँ ना, चलो सुनना ध्यान से थोड़ा, थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा कान खोल के सुन,
अभी लाइट एक वेव है और वेव के लिए दो नेचर पॉसिबल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूड। और ऐसा कहा जाता है कि लाइट के पास, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। कैसे वेव्स होता है ये? ट्रांसवर्स। मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर है? लॉन्जिट्यूडनल नेचर के ट्रांसवर्स नेचर, दे हैव ट्रांसवर्स नेचर, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। यस और नो? तब ये ट्रांसवर्स वेव्स है, इनके पास ट्रांसवर्स नेचर है, बट ये जस्टिफाई नहीं हुआ अभी तक कि दे हैव ट्रांसवर्स नेचर। तभी हमको अगर ये प्रूव करना है कि लाइट आर ट्रांसवर्स इन नेचर, तो उसको पोलराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही एग्जिबिट कर सकती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी। तो पोलराइजेशन सिर्फ किसका पॉसिबल है? ट्रांसवर्स वेव। चलो, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है आपने? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे आपने क्या बोला? एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। सही है। अब मैंने क्या कहा कि लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट पुलिस क्लास कौन सा नेचर? ट्रांसवर्स नेचर। बट अभी हम इसके पास, लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर, ये हम जस्टिफाई किससे करेंगे? पोलराइजेशन। इफ लाइट वेव्स आर एबल टू परफॉर्म पोलराइजेशन, देन दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इफ दे आर नॉट, दे आर लॉन्जिट्यूडनल नेचर। कैसे होता है, देखो, अब ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या, ये समझ। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, आपने पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड करना। अभी सर ट्रांसवर्स वेव में आपने क्या बोला? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ परपेंडिकुलर ना। मान लो ये पार्टिकल है ऐसा, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, है ना। तो बोले इससे क्या बनेगा? वेव ना, वेव ऐसे जाएगा। सही है। कैन आई से नाउ यू लेट मी नो के बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहके पार्टिकल कितने डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है? हाउ मेनी डायरेक्शन आर पॉसिबल? सोचो थोड़ा, बीस थोड़ा कभी सोच लो। बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इन हाउ मेनी डायरेक्शन पार्टिकल कैन वाइब्रेट? इनफाइनाइट ना। कितने डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता है? इनफाइनाइट। देखो इधर ऐसे है ना, ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता है, तो भी परपेंडिकुलर ही है ना। तो वो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, वो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, वो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, वेव तो ऐसे ही आ रहा है ना। तो कैन आई से ये क्या बनाएगा? सर्कल ना। ये ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, वेव अगर ऐसा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ही है। एंगल कितना? 90 ना। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेचर कैसा हुआ? ट्रांसवर्स। और बीइंग ट्रांसवर्स इन नेचर, in how many directions it can vibrate being perpendicular? Infinite. कितना? Infinite. So normally एक transverse wave में direction of vibration are infinite. Direction of vibration are infinite. इसी के वजह से कोई भी light जो है वो हमेशा diverge करता है। Particle ऐसे vibrate कर रहा है, 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 तो अलग अलग wave अलग अलग direction में emit होते जा रहा है ना। इसलिए light धीरे धीरे क्या होता है? Spread होता है, फैलता है ना। तो जो उसका स्प्रेडिंग आउट है वो
वो किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. वो हर प्लेन में हर डायरेक्शन वाइब्रेट करना चाहता है, तो हर प्लेन में हर एक डायरेक्शन वेव भी एमिट करेगा, जिसकी वजह से वेव हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है ना. बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो लाइट है जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अभी के लिए ये लाइट को कहा जाता है, या तो ये वेव को कहा जाता है अनपोलराइज्ड वेव. क्या कहा जाता है? और दुनिया का हर एक सोर्स अनपोलराइज्ड ही है ना, क्योंकि सब में से जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है ना. और अब मुझे ये करना है कि मुझे वेव को, मुझे लाइट को एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना है. मतलब अभी ऐसा फैल रहा है ना, तो मुझे इसको एक ही डायरेक्शन में लेके आना है. आई जस्ट वॉन्ट वन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, वन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, है ना. क्योंकि एक वाइब्रेशन का तो एक ही वेव आएगा ना यार, और वो डायरेक्शन में ट्रैवल करते जाएगा, है ना. जैसे आपने लेजर देखा है कि नहीं, लेजर का जो बीम होता है वो डाइवर्स करता है, फैलता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है. तो पोलराइज्ड लाइट है, कैसे लाइट है? रिपीटिंग में पॉइंट गोइंग इन वन पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन. क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बोले सिंगल डायरेक्शन में जाना है, तो सिंगल प्लेन में सिंगल डायरेक्शन वाइब्रेशन होना चाहिए ना. तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसके, एंड हाउ मेनी डायरेक्शन नॉर्मली अ पार्टिकल कैन वाइब्रेट, इनफाइनाइट. हमको वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है. कितने प्लेन में? एक डायरेक्शन में, एक प्लेन. कितने प्लेन में? एक डायरेक्शन या तो एक प्लेन में, हाँ ना. ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड. ऐसे वेव को हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसीलिए पोलराइजेशन ऑफ वेव, इफ आई टॉक अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा. What will the definition be? When vibration of particle and direction of propagation are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. या तो हम ऐसे कंसीडर करते चलो, व्हेन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं. व्हेन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल फॉर अ ट्रांसवर्स वेव इज रेस्ट्रिक्टेड in one direction or one plane, it is called as polarization of waves. Yes or no? Kya hoga ye? Polarization of waves. Clear hai ye? इसी को साथ साथ आप कह सकते हो पोलराइजेशन ऑफ लाइट. अब इसी नॉर्मली एक वेव का पोलराइजेशन हम कैसे करते हैं वो देखो, ध्यान देना है. एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, जिसमें हम पोलराइजेशन ऑफ वेव को समझते हैं, कैसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं. मान लो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं ऐसा कि देयर आर टू स्लिट्स हियर, इसमें ऐसा ओपनिंग है लाइक दिस, यहाँ पे और एक स्लिट है ऐसा कार्डबोर्डिया हो, उसमें ऐसा हमने ओपनिंग बनाया हुआ है, सही है. और यहाँ पे ये प्लेन है ऐसा, मैंने स्ट्रिंग लिया ऐसा, देयर इज अ स्ट्रिंग हियर. मान लो पहले ये दोनों कार्डबोर्ड नहीं है, तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे विजुअलाइज करना थोड़ा सा. ऐसा स्ट्रिंग है, बोले स्ट्रिंग को कैसे वाइब्रेट करूं मैं, ऐसे वाइब्रेट करूं, ऐसे वाइब्रेट करूं, कैसे वाइब्रेट करूं, वेव जाएगा ना. तो कौन सा वेव बन रहा है? ये ट्रांसवर्स वेव ना. एंड कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है वाइब्रेशन के?
infinite. There are infinite number of direction of vibration. Yes or no? Yes. तो अभी के लिए कितने direction possible है? Infinite. और infinite direction wave भी जा सकता है ना? Clear है ये? अब मैंने ये दोनों कार्डबोर्ड लगा दिए और उसमें ऐसा स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग है। अब टेल मी, मैं अगर स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करता हूं लाइक दिस, ये पॉइंट कैसे पूरा ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं लाइक दिस, तो वेव ऐसे जाएगा ना लाइक दिस, यस और नो? ऐसे पास होगा, सही है? Yes. पर अगर मैंने पार्टिकल को पकड़ा ऐसा और ऐसे वाइब्रेट किया तब स्ट्रिंग में वेव ऐसा जा रहा है ना, पर क्या लगता है ये ओपनिंग के थ्रू पास कर पाएगा या नहीं पास करेगा? समझा? मतलब उसने ये वाला वाइब्रेशन कराओ किया, ये वाला वाइब्रेशन कराओ नहीं किया, वैसे अगर ये वाला वाइब्रेशन किया तो नहीं, ये वाला वाइब्रेशन किया तो नहीं, नहीं ना? तो कितने वाइब्रेशन को अलाउ कर रहा होगा? एक के एक से ज्यादा। तो अभी जो वेव कैसा है? पोलराइज्ड। पहले जब कार्डबोर्ड नहीं था तो कितने डायरेक्शन वाइब्रेट कर पा रहा था, अब जब कार्डबोर्ड है तो कितने डायरेक्शन वाइब्रेट कर पा रहा है? पहले कैसा था वो? अनपोलराइज्ड। अब कैसा हो गया है? नहीं समझा? अरे बट अंडरस्टैंड दिस लोग, मैंने कार्डबोर्ड का ऐसा कर दिया, ऐसा मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया और फिर पार्टिकल को पकड़ा, अब मैं ऐसे वाइब्रेट करा रहा हूँ, मतलब पास होगा नहीं होगा? ऐसे किया तो फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑल्सो हाउ मेनी वाइब्रेशन आर पॉसिबल? वन और मोर देन वन। सो दिस इज अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड, दिस इज सेट टू पोलराइज्ड, है ना? क्लियर है ये? यस। तो यही डेफिनेशन होता है उसका, जब आप वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल को फॉर अ ट्रांसफर से रेस्ट्रिक्ट कर देते हो एक प्लेन में, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो एक डायरेक्शन में, तो वो जो वेव है वो कैसा हो जाता है? पोलराइज्ड। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन वाइब्रेट कर सकता है, वो कौन सा वेव है? पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड। अभी हमको इंटरेस्ट किस में? पोलराइजेशन ऑफ वेव में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव। हां, वेव। नाम क्या है वेव का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझ लेते, ध्यान देना अभी यहाँ पे, अटेंशन कौन से बोर्ड है? बोलो लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझो, डिटेल में जाऊंगा जितना रिक्वायर्ड होता है बता रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बोलो, वेव किससे मतलब वाइब्रेशन है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वाइब्रेशन होता है ना, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। yes. तो जब मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी मिलेगा ना? yes. क्योंकि वाइब्रेशन क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना भाई। हेलो, क्या जनरेट करता है? वेव। वेव का काम क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से एनर्जी जनरेट, मतलब ये इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज प्रोपोगेटेड ना। साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली। सोर्स वगैरह से चार्ज दिया, चार्ज को वाइब्रेट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ना। ये सबका जड़ कौन है? चार्ज। एवरीथिंग इज जनरेटेड बाय व्हाट? चार्ज। चार्ज जब रेस्ट होता है तो कौन सा फील्ड लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब मोशन होता है कौन सा फील्ड लेता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज वाइब्रेट कर रहा है ना, वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन ना यार। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन सा मोशन कर रहा है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कर रहा होता है मोशन है तो कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना? और दोनों क्या कर रहा है? वाइब्रेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी प्रोपगेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी प्रोपगेट होगा, दोनों का एनर्जी कंबाइन हो जाएगा। बोलो, दिस एनर्जी इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेव ना। बिकॉज क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव आया, मैग्नेटिक फील्ड का वेव आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी आया, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी कंबाइन हो गया।
और कौन सा वेव बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसा बोल रहा हूँ। सच अ वेव इज सेड टू बी व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग वेवलेंथ है ना। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स को हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बुलाते हैं, जिसका हमने अलग अलग नाम भी रखा है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स है ना। ये सब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपगेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, रेडिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ है ना। समझ में आ रहा है ये? क्लियर है? तो फिर से एक बार शॉर्ट में बोलता हूँ। बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझा? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई बार एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? ये लो, अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर होता है क्या? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होगा ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? परपेंडिकुलर। सो अगर मैं ऐसा कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी अलोंग ईदर एक्स और जेड ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके अलोंग होगा? एक्सिस। जो किसका कॉम्बिनेशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यार समझा क्या? तो देखो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा दिखाई देता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो ई बार अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, बी बार अलोंग जेड एक्सिस है, पर इसका मिल के जो एनर्जी प्रोपगेट होगा वो किसके अलोंग होगा? एक्स। ऐसा दिखता है। देखो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं उसको शो करूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग ना, क्योंकि इसका एनर्जी प्रोपगेट किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस। और अगर वो y एक्सिस को बिलोंग करता है और x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इट हैज टू बी पैरेलल टू y एक्सिस ना। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो किया जाता है? देखो लाइक दिस। समझ में आ रहा है? बोले कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड है? या तो वैसा बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी है वो किसके अलोंग जा रहा है? x एक्सिस। क्योंकि वो कौन सा वेव बना रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी भी x एक्सिस के अलोंग का बीइंग पैरेलल टू व्हाट? z एक्सिस। नहीं समझा? समझा। तो ऐसे जाएगा ये लाइक दिस यार। लाइक दिस। समझा? ये बोले ये कौन होगा? बी। तो भाई ये अभी सुना थोड़ा, देयर इज ई बार, देयर इज बी बार, व्हिच इज गिविंग यू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई बार और बी बार का प्रोडक्ट है ना, जो ई बार और बी बार दोनों को परपेंडिकुलर है। बोले ऐसा कब होता है? डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो होता है ई बार क्रॉस बी बार। क्या होता है ये? ई बार क्रॉस बी बार। नहीं समझा? अरे बाबा वो जाता है कुछ दिमाग में। सो ई बार किसके अलोंग है? वाई। बी बार जेड। ईएम वेव एक्स। बोलो तीनों किसी को परपेंडिकुलर है? तो नेचर कैसा हुआ? ट्रांसवर्स के लॉन्जिट्यूडनल। समझा? ऐसा क्लियर है? ये जा रहा है, गया, ओके। सो नेक्स्ट क्लियर है? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तो समस्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, उसका नेचर कैसा है।
अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को किसकी तरह ले रहे हैं, लाइट, क्या ले रहे हैं, विजिबल लाइट ना यार, जो दिखाई देने वाला, कौन सा लाइट, विजिबल लाइट। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को विजिबल लाइट की तरह लेते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या है कि बाबा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज विजिबल लाइट विल फॉल इन अवर आई विल हिट द रेटिना, बोलो उसका क्या होगा फिर, इमेज बनता है ना। स्कूल टाइम पे गए होगे स्कूल में, सच कहा जाता पता है कि व्हेन द लाइट फॉल्स इन अवर आई इट हिट्स द रेटिना देन रेटिना विल सेंड इलेक्ट्रिक पल्सेस टू द माइंड देन माइंड विल क्रिएट द इमेज which is also inverted with respect to the object. फिर हमको ऐसा लगता है कि पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है हमको तो हमेशा, सही ना, सब अलग है, पर इतना ये मानती हो ना कि जब रेटिना पे हिट करता है तो किधर क्या जाता है, इलेक्ट्रिक पल्स ही जाता है ना। इसका दूसरा मतलब क्या होता है पता है, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है एज विजिबल लाइट और जब हमारा रेटिना पे हिट करता है ना, रेटिना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सेंस कर पाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कोई सेंस नहीं करता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम होता है, तो सिर्फ किसको सेंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए सिर्फ कौन सा पल्स भेजता है, इलेक्ट्रिक पल्स। इसीलिए फॉर अस जो विजिबल लाइट है, जो लाइट है जो हम देख पा रहे हैं, हमारे लिए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा जस्ट फॉर सीइंग पर्पस। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, हम जो देख रहे हैं, हम जो फील कर रहा है उसमें सिर्फ किसको फील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर रहा है। तो अब बोलो हमारे लिए सिर्फ कौन बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो मैग्नेटिक फील्ड गया जेड एक्सिस पे, तो हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो टेल मी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो टेल मी बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन हाउ मेनी डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन वाइब्रेट, इनफाइनाइट ना यार, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना, अरे इन एनी डायरेक्शन, इन वाई जेड प्लेन ना, वाई जेड प्लेन के कोई भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है ना। कितने डायरेक्शन हुए, इनफाइनाइट ना, सर्कल बन रहा है ना भाई, कितना होगा, इनफाइनाइट। सो अभी हम क्या कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, देखो यहाँ पे हेलो अटेंशन, थर्ड पॉइंट में, फॉर विजिबल लाइट एज ईएम वेव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर, यस और नो, अरे हो के नहीं आप लोग यहां पे, हेलो, बीइंग परपेंडिकुलर टू ईएम वेव ई बार कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इन इनफाइनाइट डायरेक्शंस। बोला ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, समझा रुतिका, कितना वाइब्रेशन पॉसिबल है, एक एक से ज्यादा, एक से ज्यादा वाले क्या कहते हैं, पोलराइज के अनपोलराइज, ये लाइट कौन सा है, पोलराइज के अनपोलराइज, अब इसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन करके जब अनपोलराइज को पोलराइज कर दोगे तो उसको उसका नाम क्या रखोगे, यही हमको करना है, यही इनकी दुनिया है, ऐसा और नो। अब ये कैसे करते ध्यान देना है, उसके पहले समझाना, ये तो अनपोलराइज का डेफिनेशन क्या होगा, ये डेफिनेशन देख लो इधर है ना, अ लाइट इन विच, इधर ध्यान दो भाई, ई बार कैन वाइब्रेट इन इनफाइनाइट डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है ना, is called
अनपोलराइज्ड है। अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको पोलराइज कर दिया तो बन जाएगा पोलराइज्ड लाइट। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट का पोलराइजेशन करके पोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है वो हमको सीखना है। उसके पहले ना सीख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को अगर ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करेंगे। देखते जाओ इधर बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस ये जा रहा है ये गया, देखो इधर सही है। बोले किसका डायरेक्शन है ईएमए, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है ना, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितने डायरेक्शन में इनफाइनाइट। मतलब ओरिजिनली तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है लाइक दिस, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, सारा डायरेक्शन में ना। बोलो थोड़ा भी रिप्रेजेंट करने जाऊंगा डायग्राम के टर्म्स में, सिंबल के टर्म्स में, आई कैन नॉट शो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस ना। तो अब ये अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई शो द नंबर ऑफ डायरेक्शंस हियर, ध्यान देना यहां पे इधर शो कर रहा हूं, इसको ऐसा कर दिया ऐसा, क्या दिखाई देगा ऐसा, ये पहला वाइब्रेशन है, ये दूसरा, ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं ना पादो। कितने डायरेक्शन है इनफाइनाइट। अब हम क्या करते हैं, रुक जाओ नहीं इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे बनाते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, ये इसके रिस्पेक्ट से वाई जेड है ना। तो हम क्या करेंगे बाकी सब डायरेक्शन को रिजॉल्व करते हैं, बाकी सब डायरेक्शन को, सो दैट इट कैन कम अलोंग एक्स एंड वाई, सॉरी वाई एंड जेड, इट कम अलोंग वाई एंड जेड, नहीं समझे, वापस देख लो इधर, ओ भाई देखो इधर थोड़ा और ढंग से ड्रॉ कर दो, देख लो इधर, ये देखो ये एक वाइब्रेशन, ये जेड होगा ना अगर ऐसा होगा, ये बताओ ये क्या होगा ऐसा ना, तो ये ऐसा भी सही है, और भी हो गए बनाते रहो घर पे जाके। ये वाई जेड क्या लगता है, बाकी सब जितने भी है इसको रिजॉल्व कर दूंगा ना मैं, इसको रिजॉल्व किया देखो ऐसा, इसका रेजोल्यूशन कैसा होगा ऐसा ना, ये बोलो ना यार इसका रेजोल्यूशन कैसा होगा ऐसा ना, रिजॉल्व करते जाओ कैसा किया अगर, ये रिजॉल्व हो रहा है ऐसा लाइक दिस, दिस विल लाइक दिस ना ऐसा सही है, सारे रिजॉल्व हो के किसके अलोंग आ रहे बाय जेड ना, तो सारे को रिजॉल्व कर लिया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन आई कैन शो ओनली ऑन टू डायरेक्शंस ना। अरे टू डायरेक्शन इज ऑल्सो मोर देन वन ना, सो इट इज पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड। तो ड्रॉ करने के लिए मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस को सिर्फ कितने डायरेक्शन बता रहा हूं, दो, रिजॉल्व कर करके अलोंग वाई एंड जेड, बोलो वाई एंड जेड, जेड मतलब कैसा होगा ऐसा ना, सारे सारे वाइब्रेशन ऐसे, वाई मतलब ऐसा दिख रहा है, तो कितने डायरेक्शन हुए अभी, दो, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, जब इसको शो करूंगा मैं तो ऐसा दिखाई देगा, इधर ध्यान, तो एक ऐसा होगा गोइंग इनसाइड द प्लेन अलोंग जेड एक्सिस जैसा, सही ना, सारे रिजॉल्व होकर किसके अलोंग जेड एक्सिस, और एक कौन सा होगा इन द प्लेन कैसा होगा, ये ऐसा, अरे यार ये है अलोंग वाई और इन जा रहा है वो कौन सा है अलोंग जेड, बोलो एक से ज्यादा डायरेक्शन है कौन सा लाइट है ये अनपोलराइज्ड, बोले जब ये पोलराइज हो जाएगा तो ये दोनों वाइब्रेशन अवेलेबल रहेगा कोई एक, या तो इनसाइड वाला या तो इन द प्लेन वाला ना, उसको हम कौन सा लाइट कहेंगे पोलराइज्ड, उसी को वही बनाना है, क्या करो कैसे बना दो बेटा, देख सच इज व्हाट अनपोलराइज्ड लाइट, समझाइए
चलो नोट डाउन करना फटाफट, फिर इसका पोलराइजेशन कैसे होता है बताता हूँ। Thank you.
हाँ ठीक है।
Thank you.
क्या बात है, एक मिनट नहीं छोड़ दिया पढ़ाई का। सर वैसे अब ये तो इग्निशन हो गया कि पढ़ना पड़ेगा भाई। चलो अभी नेक्स्ट ध्यान देना है, तो चक्कर में जूते पहनना भूल गया। बार बार टाइम जो ब्रेक पे बोर होता है अभी। चलो नेक्स्ट अभी ध्यान देना है। चलो पे अटेंशन यार, कैसे वर्क करेगा देखो अभी। हाउ डू वी डू पोलराइजेशन, टोटल पांच मेथड होते हैं इसके, पर हम सिर्फ दो ही सीखते हैं। तीन हमको नहीं करने होता है, इसमें से एक होता है निकोल्स प्रिज्म, दूसरा होता है डबल रिफ्रेक्शन वाला है ना, और एक होता है स्कैटरिंग वाला। ये मुझे आता है पर बताने की जरूरत नहीं होती। दो इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, वही करना है आपको ढंग से। फर्स्ट इज बाय यूजिंग टॉर्मलाइन क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल, और दूसरा होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ज्यादा करके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है हर साल इज बेस्ड ऑन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कैसे होता है तो ध्यान देना है। सुनो समझ जाएगा, समूह मत बनाओ क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल, ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट पढ़ाओ, पढ़ाई के अंदर पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर पढ़ाई वाले समझ में नहीं आ रहा है। वो बंद कर रहा सब लोग इधर बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रही है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। चलो वी आर यूजिंग टॉर्मलाइन क्रिस्टल, क्या यूज करेंगे टॉर्मलाइन क्रिस्टल, कैसा एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है देखो एकदम। अभी टॉर्मलाइन क्रिस्टल से हम पोलराइजेशन कैसे करते हैं, पोलराइजेशन का मतलब समझ गया ना, अपने आप काम भी समझ जाएगा। देखो अभी ना हम दो टॉर्मलाइन क्रिस्टल लेते हैं, टॉर्मलाइन क्रिस्टल का देखो शेप ऐसा होता है लाइक दिस, ये ऐसा है लाइक दिस। थोड़ा सा ध्यान देना अभी, इसके बाद ना एक लॉ सीखते हैं हम लोग, समथिंग कॉल्ड एज मैलस लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉर द क्वेश्चंस ऑफ वे ऑफ दिस। तो ये पहला क्रिस्टल, इसके पीछे और एक क्रिस्टल रखा मैंने ऐसा Like this. सही है। तो ये क्रिस्टल मान लो टी वन, ये है टी टू। अब कितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनका ना अपना एक नेचुरल एक्सिस होता है, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस कहा जाता है उसको, आप उसको नेचुरल एक्सिस कह सकते हैं। टॉर्मलाइन क्रिस्टल का एक्सिस यहां से पास होगा, ऐसा एक्सिस समझता है ना, पूरा चैप्टर कर लिया है भाई। हेलो ये एक्सिस है लाइक दिस, दिस इज सेड टू बी द नेचुरल एक्सिस। क्रिस्टल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है पता है, कि जब भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगा जो भी वाइब्रेशन ये एक्सेस ऑफ द क्रिस्टल को पैरेलल होगा, ओनली दैट वाइब्रेशन कैन पास थ्रू, बाकी सब वाइब्रेशन कैंसिल आउट हो जाए। कि वो क्या कैसे वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से बिहेव करता है क्रिस्टल, समझ आ रहा है। सिर्फ किसको अलाउ करेगा, जो नेचुरल एक्सिस कैसा होगा पैरेलल, बाकी सब वाइब्रेशन को कैंसिल कर देगा, है ना। तो हो गया ना पोलराइजेशन, नेचुरल एक्सिस का डायरेक्शन तो एक ही है, लाइन है ना वो,
मतलब इनडायरेक्टली वाइब्रेशन भी कितना अलाउ कर रहा है, एक ही ना, और किसका वाइब्रेशन कैंसिल ना, हेलो नहीं समझा, लाइक दिस हियर, अभी आ रहा है ऐसा, मतलब ये इधर एक सोर्स है, सोर्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, लाइक दिस, ये एक सोर्स है ऐसा अनपोलराइज लाइट, सही है, इससे एक अनपोलराइज लाइट आ रहा है ऐसा, लाइक दिस, इस पे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा, है ना, बोलो अभी अनपोलराइज लाइट में कितना वाइब्रेशन दिखा देगा, अभी चिल्ला चिल्ला के बना ये लाइट रिप्रेजेंटेशन, कितना डायरेक्शन बताओगे तो ना, ये कौन सा लाइट है, अगर ये बताऊंगा ना तो ये आया ऐसा, ये रहा, ये शो कर रहा हूं मैं क्या अनपोलराइज आ रहा है, सही ना, लाइक दिस हियर, सही है, अब बोलो जब इसके ऊपर हिट करेगा, जब पास होगा तो इसमें कितना वाइब्रेशन जाएगा, एक से ज्यादा के एक, कौन सा रह जाएगा, ब्लू वाला, कौन सा चला जाएगा, रेड वाला, है ना, सही है, तो ऐसा रहेगा, द वाइब्रेशन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस विल रिमेन, ना vibration which is not will be eliminated, so like this now aisa, ye ye reh gaya, ye dekho hai na, baaki aisa ja raha hai, chalo ye crystal bhi aisa hi hai, isme already kitna vibration hai, एक के एक से ज्यादा, तो जब इसके थ्रू पास होगा तो बोलो ये गया, बोलो ये वाइब्रेशन अभी इसको पैरेलल है ना, तो जैसे यहाँ पे दिखाई रहा है वैसे यहाँ पे दिखाई देगा ना, हेलो विल देयर बी एनी चेंज, यहाँ पे आया ऐसा, बोले लाइट पहले कैसा था अनपोलराइज, बोला अब कैसा हो गया, which is said to be plane polarized, क्या कहेंगे इसको, plane polarized light, hello hello hello, समझा, ये भी कैसा है plane polarized, है ना, चलो इसने already polarized कर दिया ना, तो ये क्यों लगा extra खर्चा की, Why do we need an extra crystal there? Extra crystal का जरूरत क्या पड़ा हम? ऐसे ही क्यों लगाया? उसके थ्रू तो सेम ही जा रहा है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ, वैसा का वैसा ही मिला, then why? Precision मतलब क्या? What do you want to know? For what? Precision for what? चेक करना है ना, मतलब ये क्या कर रहा, वेरीफाई ना, तो इसीलिए इसका नाम होता है जो आपको भी करना चाहिए, एनालाइजर, यस और नो, क्या होता है एनालाइजर, और बोले इसने पोलराइज किया ना, तो इसको क्या कहा जाता है, यस और नो, सही है, सो ये सबसे पहला पोलराइजर जो पोलराइज करता है, हमको लाइट दिखाई थोड़ी देता है, तो सेकंड क्रिस्टल रखा है ना हमने टू एनालाइज वेदर द लाइट हैज बीन पोलराइज्ड और नॉट, है ना, कैसे पता चलेगा, आपने क्रिस्टल को ऐसे रखा है तो कैन आई से द वाइब्रेशन इज पैरेलल ना, सो पास हो गया, पर क्रिस्टल को घुमा दिया ऐसे 90 डिग्री से, तो अभी क्रिस्टल कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और वाइब्रेशन कैसा है, वर्टिकल ना, बोला पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन वाइब्रेशन था ही नहीं, सो ये डायरेक्शन में था, तो ये कैसा है पोलराइज्ड, आपने ये क्रिस्टल को भी ऐसा कर दिया, ये क्रिस्टल भी ऐसा, ये क्रिस्टल भी ऐसा, बोलो अभी ये जब अनपोलराइज्ड इंसिडेंट होगा तो कौन सा वाइब्रेशन बचाएगा, ये वाला ना, दिस विल बी एलिमिनेटेड, ऐसा होगा, तो यहाँ पे जो प्लेन पोलराइजर मिलेगा उसमें वाइब्रेशन ऐसा होगा ना, बोले ये पोलराइजर भी ऐसा ही है, सॉरी एनालाइजर भी ऐसा ही है, विल इट पास, लाइट आएगा ना, पर अगर इसको सीधा कर दिया तो नो लाइट, ऐसा रखा तो लाइट, बोल कितना वाइब्रेशन, एक के एक से ज्यादा,
एक ना कैसा है पोलराइज या अनपोलराइज्ड अगर दोनों वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है फिर भी लाइट आ रहा है इसको क्या कहेंगे अनपोलराइज्ड नहीं समझा क्लियर है ये दिस इज पोलराइजर दिस इज अनपोलराइज्ड फाइन इस तरीके से हमको क्या मिलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब इसमें दो टर्म्स होता है वो भी सीख लो ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको बोले ये प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है ना इसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या कहते हैं ये वाला जो प्लेन है ये वाला बोले ये प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है कि इसमें वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया रेस्ट्रिक्ट करने पे पोलराइजेशन कहते ना मतलब ये वाला जो प्लेन है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये जो इसका परपेंडिकुलर प्लेन है इसको जो परपेंडिकुलर प्लेन है ऐसा ये कैसा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सर नो बोलो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में कितना एंगल होता है 90 याद है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज इट क्लियर यस हेलो सो ये ऐसे वर्क करता है अभी इसके ऊपर ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है समथिंग कॉल्ड एज मैलस लॉ मैलस लॉ क्या बताता है क्या नहीं उसके बारे में डिस्कशन कर लो थोड़ा उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जामिनेशन में अगर क्रिस्टल से पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया तो मैलस लॉ पे ही आएगा फिक्स है वो क्योंकि एक ही फॉर्मूला है इसका और कुछ नहीं तो देखो मैलस लॉ क्या होगा अंडरस्टैंड कर व्हाट इज मैलस लॉ मान लो सुनो 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 आंसर करना बोले हमने क्या कहा ये ऐसा रखा है तो लाइट वैसे का वैसे आ रहा है ना बोले जितना यहाँ पे इंटेंसिटी उतना यहाँ पे इंटेंसिटी इस तरह की चेंज इन इंटेंसिटी मैंने ऐसा कर दिया ऐसा तो इंटेंसिटी कितना हो गया जीरो नो लाइट ना हेलो तो ऐसा करने में इंटेंसिटी कितना आ रहा है ऐसा करने पे मैक्सिमम ना ऐसा मिनिमम ऐसा मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम है ना बट कभी अगर ऐसा कर दिया कि ऐसा रख दिया उसको क्रॉस करके और 90 पे नहीं जा रहा है ना जीरो पे विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजर वो ना 90 पे है ना बीच में 30 पे 40 पे 45 पे 50 पे तो क्या लगता है आपको एनालाइजर के थ्रू कोई लाइट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा दिखाई देगा बट उसका इंटेंसिटी जो है ना मैक्सिमम होगा ना बीच में होगा इट विल बी लाइंग समवेयर बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैलस लॉ हमको वही वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता है कि कितना एंगल पे कितना इंटेंसिटी आता है समझा क्या ये समझना पड़ेगा ना भाई देखो कैसा है जैसा लाइट आ रहा है मतलब क्या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रहा है मतलब क्या आपके घर में खिड़की है पूरा खुला रखा है खिड़की मैक्सिमम लाइट अंदर आ रहा है ना अभी थोड़ा थोड़ा बंद करते जाओ पूरा बंद करते जाओ लाइट आना बंद ना पर अगर बंद करने के टाइम पे थोड़ा खुला छोड़ दिया लाइट भी कम ना बट क्या उतना लाइट आ रहा है उतना इंटेंसिटी आ रहा है उतना हीट आ रहा है जितना पूरे कोने में आ रहा था नो ना चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा और नहीं वैसा तो ये ऐसा ही है जब पोलराइजर शिफ्ट होता है तो इंटेंसिटी कीप्स ऑन चेंज नहीं समझा वो इंटेंसिटी कितना आ रहा है पोलराइजर के एंगल बदलने को तो वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैलस लॉ क्या होगा मैलस लॉ अंडरस्टैंड करना पे अटेंशन यहाँ पे ध्यान देना सब लोग प्लीज ये समझ लो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए तभी मान लो ये पोलर ये पूरा नहीं ड्रॉ करते बैठूंगा मैं सिर्फ वो लाइन बना रहा हूँ एक्सिस वाला समझ आ गया क्या हो रहा है समझा गया तो ऐसा ही है ये वो क्रिस्टल का एक्सिस है लाइक दिस ये टेढ़ा हो गया रुक जाओ ये एक्सिस है ऐसा दिस इज एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल
भाई यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है लाइक दिस, सही है। बोले ये कौन सा लाइट होगा? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड जाकर कुछ ना इंटेंसिटी होगा ना। सी व्हाट टर्म्स आई एम यूजिंग, हाउ आई एम डिफाइनिंग, अंडरस्टैंड दिस कंफ्यूजन बता रहे हैं क्या रहा है ऐसे। सही है। मैंने यहां तक ऐसा क्रिस्टल जैसे लाइक दिस, तो इसके आगे से जाएगा लाइक दिस, सही है। चलो इसमें और एक वाइब्रेशन होगा, दिस अनपोलराइज्ड। मान लो सुनना ध्यान, इसका इंटेंसिटी आई डैश है, कितना इसका इंटेंसिटी आई डैश, और इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना दैट इज ए, कितना है ए, समझा क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो इसके वाइब्रेशन का इससे इसके लाइट का जो इंटेंसिटी दैट इज आई डैश एंड द एम्पलीट्यूड एट व्हिच इट इज वाइब्रेटिंग इज ए डैश। वो जब इसके थ्रू जाएगा वो क्या होगा? पोलराइजेशन होगा, दो में से एक ही वाइब्रेशन बचेगा। बोला दो वाइब्रेशन था, एक वाइब्रेशन हो गया तो इंटेंसिटी क्या हुआ? कम होगा। हाफ ना। अरे बहुत सौ वाइब्रेशन था, अभी 50 हो गया, तो कितना हो गया इंटेंसिटी? हाफ। तो पोलराइजर के जाने के बाद जो अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज बनता है उसका कितना इंटेंसिटी बचता है? हाफ ऑफ द इनिशियल ना, दैट इज आई डैश बाय टू ना, कितना होगा? देखो ऐसा इधर ध्यान दे रहा है पीस पे अटेंशन ही। तो बोले इसमें कौन सा वाइब्रेशन रह जाएगा? ये वाला ना, सही है। ये वाला वाइब्रेशन रहेगी, ये वाला चला गया। पर इंटेंसिटी अभी क्या हो गया बोलो? मान लो इसका इंटेंसिटी हो गया आई नॉट, कितना हो गया है? विच इज आई डैश बाय टू। एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना भाई? हाँ। कैसे वाइब्रेट करता हूँ मैं, ऐसे वाइब्रेट करता हूँ तो सेम एम्पलीट्यूड ना, इंटेंसिटी कम हो गया तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजिंग, हां ना, सो द एम्पलीट्यूड इज सेम। ये कितना आई डैश बाय टू एंड दिस इज व्हाट ए। हेलो हेलो हेलो, हां चलिए शादी क्या होगा बोल, तो समझ लो इधर दूसरा ये एनालाइजर है इधर लाइक दिस, ये पोलराइजर और ये क्या है? सही है। पहले इनिशियली ऐसा ही है, तो जैसा यहाँ पे प्लेट पोलराइजर आ रहा है सेम यहाँ पे आएगा ना, विल बी चेंज। तभी यहाँ पे आने के बाद इंटेंसिटी कितना होगा? आई नॉट, और एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए। तो फॉर दिस पोजीशन व्हाट इज द इंटेंसिटी? आई नॉट। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? ए। अरे यार नॉट नो, नहीं समझा। शो कर रहा हूँ, तब तक ये ड्रॉ कर लेना ना वो वाला सर। हेलो Gracias.
चलो 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 बंद करो अभी किसरा ध्यान देना बाहर छोड़ दिया क्या अभी देखो इसमें जब ऐसा रहेगा तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बराबर है। चलो अब हम क्या करते हैं कि ये एनालाइजर को अभी थोड़े एंगल से डेविएट करते हैं सच दैट एनालाइजर विल मेक सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पोलराइजर। तो मैंने ऐसा कर दिया मैंने ये अभी एनालाइजर है ऐसा लाइक दिस दिस इज द एनालाइजर लाइक दिस ये इसका ऐसा पोजिशन समझ में आ रहा है ये तो नाउ द एनालाइजर इज डेविएटेड बाय एंगल थीटा सच दैट पोलराइजर के साथ वो कितना एंगल बना थीटा ना तो सी हो क्या रहा है ये मान लो अगर पोलराइजर है पहला एनालाइजर ऐसा था इसके थ्रू जैसे वाइब्रेशन पास हुआ इसके थ्रू भी ऐसे ही पास हुआ पर अभी ये एनालाइजर ऐसा हो चुका है लाइक दिस तो ये ऐसा ही बराबर है। अब देखो ये जब ऐसे हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा लाइक दिस तो ये वाइब्रेशन जब यहां पे आएगा टेल मी जब ऐसा था तो कंप्लीटली वाइब्रेशन बराबर से जा पाए ना इसलिए इंटेंसिटी यहां पे एम्पलीट्यूड यहां पे सेम था ना पर अभी जब यहां पे है तो जो स्पेसिंग मिलेगा उसको पास मिलेगा ऐसा है तो जरा भी नहीं मिलेगा ना पर ऐसा है तो मिलेगा ना स्पेसिंग कंप्लीट होगा पार्शियल होगा नहीं होगा तो जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का इट विल रिमेन द सेम ए इट विल रिड्यूस कम हो जाएगा ना यार नहीं समझा एम्पलीट्यूड कम होना है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना तो क्या लगता है एम्पलीट्यूड कम हुआ तो इंटेंसिटी रिमेन द सेम और विल चेंज ये वैसा ही है कि कोई इंडिविजुअल है उसको डोर दे तू अंदर आना है तब मैंने डोर आज ऐसा रखा तो वो अपने स्टैंडिंग पोजीशन में अंदर आ गया ना जितना उसका मैक्सिमम हाइट है वो यूज करके अंदर आ गया सही है कल मैंने डोर को हॉरिजॉन्टल कर दिया सही ना एकदम दरवाजे को छोटा कर दिया एकदम वो घुस ही नहीं पा रहा है बोले कैसे जाओ सही ना इंटेंसिटी जीरो। नेक्स्ट डे सो मत दरवाजे को थोड़ा सा इंक्लाइन रखा इंक्लाइन ऐसा क्रॉस रखा है बोलो उसका जो ऊपर का ये है मैक्सिमम लिमिट है वो ऐसा है ना अभी जब वो आना चाहेगा तो वो अपने कंप्लीट हाइट को यूज नहीं कर सकता ना ही नीड्स टू बेंड है ना उसको बेंड होके अंदर आना पड़ेगा हाँ तो क्या कर रहा है अपने एम्पलीट्यूड को कम कर इंटेंसिटी को कम कर यहाँ पे भी ऐसी हो जब पहले पूरा ओपनिंग था तो वाइब्रेशन करके पूरा आ पाया है ना अब ऐसा है तो ओपनिंग कम हो गया ना तो उसको अपना वाइब्रेशन कम करना पड़ेगा है ना उसका वाइब्रेशन कट डाउन होगा सही ना और वाइब्रेशन कट डाउन होगा तो हाँ भाई हाँ वाइब्रेशन कट डाउन होगा तो एम्पलीट्यूड कट डाउन होगा ना एम्पलीट्यूड कट डाउन होगा तो इंटेंसिटी विल चेंज इट विल रिड्यूस यस और नो ऐसा होता क्लियर है ये इज इट क्लियर
आपका विषय बढ़ जाता है तो बोलो इंटेंसिटी ऑफ इमेज सेम विल चेंज चेंज यहां पे हो जाएगा आई ना और देखो एम्पलीट्यूड कितना होता है बोलो ये ए है ना तो यहां पे एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट आएगा ना भाई तो क्या आएगा बोलो कॉस के साइन तो दिस विल बिकम ए कॉस बोलो ए से ए कॉस थीटा का इंटेंसिटी विल चेंज ना तो बोलो इनिशियली क्या था जब ये पोजीशन था ए तो इंटेंसिटी क्या था आई नॉट एम्पलीट्यूड क्या था ए स्क्वायर है ना ये कभी एट थीटा इक्वल टू जीरो सही है फिर एट एंगल थीटा बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर बोलो क्या हो गया आई इज प्रोपोर्शनल टू A cos थीटा का स्क्वायर ना मुझे नया इंटेंसिटी चाहिए तो I upon I नॉट बोलो कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा विल बी A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा upon what A स्क्वायर A स्क्वायर गया ये तो बोला I क्या आएगा I नॉट cos स्क्वायर थीटा दिस इज मैलस लॉ फाइंड आउट द इंटेंसिटी क्लियर है ये ये वो ये टर्म्स को समझा आई इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर एंड आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर एंड थीटा इज एंगल टू यहां पे अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कभी यूज नहीं होता देयर इज नो यूज ऑफ अनपोलराइज लाइट पर एग्जाम में ना कभी भी ना आपको अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी दिया होता है तो फिर आप क्या लोगे वो अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी लोगे कि पोलराइज लाइट का आफ्टर पासिंग टू पोलराइजर आफ्टर पासिंग टू पोलराइजर जो इंटेंसिटी होता है हाफ होता है ना इसका अनपोलराइज तो आप वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आई डैश का आई डैश बाय 2 दैट इज द मिस्टेक यू डोंट हैव टू मेक यस और नो तो आंसर उसके वजह से चेंज हो जाता है क्लियर है ये सो दिस इज मैलस फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर क्लियर है ये चलो ये नोट डाउन करना खत्म करना पड़ा Gracias.
Gracias.
So done. Next is I will be writing down polarization by reflection. Next, polarization by reflection. तो ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होगा अंडरस्टैंड कर ये हो गया सबका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में क्या होगा सभी रिफ्लेक्शन जब हम स्टडी करते हैं बेसिकली हमने जब रिफ्रैक्शन स्टडी किया हमने क्या बोला कि प्रैक्टिकली दोनों होता है ना रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन और आइडियल होता है बराबर है तो देखो अभी कैसे वर्क करेगा ध्यान देना आप तो मान लो ये ऐसा एक मीडियम है दिस मीडियम इज अ ग्लास मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं मान लो ये नॉर्मल है ऐसा दिस इज द नॉर्मल ऐसा लाइक दिस ये क्या होगा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड करना मान लो इस सरफेस पे हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किया
there is an unpolarized light incident on this surface like this. Okay, aisa re hai aisa like this. यहाँ पे यस दिस इज अनपोलराइज्ड सही है. अब बोले जब यहाँ पे हिट करेगा तो दोनों होगा ना, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन. सही है, yes. तो रिफ्लेक्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन होता है. नेक्स्ट है इसको ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, तो ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा. ऑब्जर्वेशन ये आता है कि ये दोनों में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो लाइट हमको मिलता है वो लाइट होता है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. से भी हमने दो वर्ड सुन लिया, वन इज अनपोलराइज्ड लाइट, वन इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना. अभी नेक्स्ट क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये होता है कि अभी भी जब वो पोलराइज होने के बाद भी उसमें दोनों वाइब्रेशन हो, इट विल हैव बोथ वाइब्रेशन. सॉरी हेलो, जिसमें ना दोनों वाइब्रेशन रहेगा, बट अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंपेयर किया ना अनपोलराइज्ड से तो वाइब्रेशन विल बी लेस, वाइब्रेशन कम होगा. मतलब मान लो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये कौन सा लाइट अनपोलराइज्ड, इसमें 50 इन द प्लेन वाइब्रेशन है और 50 परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशन. 50 इज इन द प्लेन, 50 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. पार्शियली पोलराइज होने के बाद ये 50-50 नहीं होगा, ये कम हो जाएगा. पर कम होने पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही रहेगा, दोनों रहेंगे बट नंबर विल बी लेस. तो बोला अभी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा यहाँ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कैसा है, पार्शियली पोलराइज्ड. तो देखो इसमें दोनों वाइब्रेशन होगा बट दोनों वाइब्रेशन का जो नंबर है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस. ऐसा है लाइट, समझा गया. तो यहाँ पे कितना वाइब्रेशन है, 50-50 ना. मान लो अभी यहाँ पे 20 इन द प्लेन एंड 30 परपेंडिकुलर प्लेन है, दोनों वाइब्रेशन है बट लेस देन अनपोलराइज्ड. इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड. क्या कहेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड. तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वन और यहाँ पे ऐसा हो, सही है. और ये होगा रिफ्रैक्टेड वन ना, तो ये ऐसे होगा लाइक दिस. इसमें मान लो 30 इन द प्लेन है और 20 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा सही है लाइक दिस. फाइन, तो ऐसे वाइब्रेशन तो बोले ये आई है, ये क्या होगा आर ना, जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सही है, वो ये क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आर डैश लिया, आई आर आर डैश, क्लियर है ये. सो ये दोनों ये रिफ्रैक्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज है ना. इतना समझा. तो अभी हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, दिस रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस
ट्रांसपेरेंट मीडियम दोनों हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो हम जो इंसिडेंट कर रहे हैं अनपोलराइज लाइट ना, और ये अनपोलराइज लाइट जब रिफ्लेक्शन कर रहा है पार्शियल रिफ्रैक्शन कर रहा है पार्शियल, तो लाइट भी कैसा हो जा रहा है पार्शियली पोलराइज। पार्शियली पोलराइज का मतलब क्या है, क्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन दोनों हो गया ना, वाइब्रेशन डॉट वाला भी होगा और लाइन वाला भी होगा इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर प्लेन, बट एज कंपेयर टू अनपोलराइज लाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन रिमेंस सेम और रिड्यूस, कुछ होगा रिफ्लेक्टेड में कुछ होगा रिफ्रैक्टेड में, वी बोथ दोनों के लिए यहां पे फॉर बोथ वी आर गेटिंग पार्शियली पोलराइज लाइट। सही है, अभी आगे समझो। चलिए आगे क्या किया गया कि मान लो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पे, इसको हम बार बार चेंज करते हैं, लेट अस कीप ऑन चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो एंगल पहले 10 डिग्री रखा तो उसके हिसाब से यहां आया पार्शियली पोलराइज पार्शियली पोलराइज, एंगल 20 डिग्री रखा पार्शियली पोलराइज पार्शियली पोलराइज, एंगल को 30 किया 40 किया 45 किया 42 किया, ऐसे बहुत सारे एंगल चेंज कर करके देखे। ऑब्जर्वेशन ये आता है कि एट एवरी एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ आर पार्शियली पोलराइज, बट एक्सेप्ट वन एंगल, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस में से एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ना ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाता है। कंप्लीटली कैसा हो जाता है, प्लेन पोलराइज मतलब उसमें दोनों वाइब्रेशन रह जाएगा किसी एक ही वाइब्रेशन रह जाएगा। समझा गया, फिर से रिपीट करूंगा, ये जो पूरा चीज हो रहा है यहां, अब हम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बार 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 इसको चेक करते हैं। तो 10 डिग्री रखा, 15 डिग्री रखा, 30 डिग्री रखा, 25 डिग्री रखा, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस देते गए, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट कम्स पार्शियली पोलराइज पार्शियली पोलराइज, चलते जा रही है। दिस इज गोइंग ऑन, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यही होता रहेगा पार्शियली पोलराइज पार्शियली पोलराइज एक्सेप्ट वन एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसपे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट। कैसा होगा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, क्लियर है? यस यस, वर्क करेगा लाइक दिस हियर। कैसा क्या है, सही है, ये इसमें दोनों वाइब्रेशन है, दिस इज अनपोलराइज है ना, ये अनपोलराइज होता है। सही है, दिस इज अनपोलराइज्ड। यहां पे आने के बाद बोलो, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कैसा होगा, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज ना, कैसा होगा कंप्लीटली प्लेन, और कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होने के बाद दोनों वाइब्रेशन बचेगा सिर्फ एक, और वो जो एक वाइब्रेशन बचता है ना वो ये डॉट वाला होता है, that is perpendicular to the plane, that is perpendicular, compulsory hai ye hamesha ye aayega, when reflected light is completely plane polarized usme se kaun sa vibration bach jayega ek, aur wo ek kaun sa hota hai perpendicular to the plane, ye wala dot wala, nahi samjha? Refracted light jo hai na wo bhi partially polarized hoga, thoda bahut absorb hoga aur thoda bahut partially polarized hoga, hai na? Are bolo, to isme bhi dono vibration ho gaye।
क्या है ये? समझा ये? Yes. स्टिल पार्शियली पोलराइज, थोड़ा सा पार्शियली अब्सॉर्ब हो रहा है, पार्शियली पोलराइज हो रहा है, सही है? बोलिए कैसा है? प्लेन पोलराइज है ना, सही है, फाइन। बोलो मैंने इसके लिए क्या बोला कि ये हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा कि देयर विल बी वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड एंड वी अचीव पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय आईपी एंड इट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको? और ब्रूस्टर्स एंगल, क्योंकि हम नाटक वाली ब्रूस्टर ने किया था, सही है ये? क्या सा एंगल है? ब्रूस्टर्स एंगल और पोलराइजिंग डिनोटेड बाय व्हाट? आईपी। ये रहेगा आर और ये रहेगा आर डैश। क्लियर है ये? इस तरीके से हमको क्या मिलता है? रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो यहाँ पे डाउट ये आना चाहिए कि वो जो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें सिर्फ परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज डॉट वाला वाइब्रेशन ही क्यों बचता है हमेशा? इन द प्लेन वाला क्यों नहीं आता? एक ही आना चाहिए ना कोई भी? सो हमेशा मैंने क्या कहा, डॉट ही आएगा ना, दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन, इन द प्लेन वाला नहीं आता है। चलो क्या लगता है आपको, वाई? What do you think? Reason क्या होगा इसका? बोलो। What do you think? अरे मैं आपके जवाब का दे देता हूँ। बोलो बोलो बोलो। Why do you think only dot remains? Only perpendicular plane remains, not in the plane. थोड़ा सोचो ना, खाली डायग्राम को देखते रहते हो, वो खुद जवाब देगा क्या? सोचना ही नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो थोड़ा। हाँ? In the plane लग। क्यों? इसका रीजन क्या है? सरफेस को कौन थोड़ा थोड़ा राइट है, क्या इसका मतलब? चलो देख लो, बोले ऐसे आ रहा है ना, ये क्या है? इन द प्लेन। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आके ऐसे हिट कर रहा है सरफेस पे ऐसा, सही है? Yes. इस दोनों पे हिट है सरफेस लगी, सिर्फ इसको देखते हो इन द प्लेन वाले को, तो जाके सरफेस को ऐसे हिट करेगा ना लाइक दिस, सही है? और परपेंडिकुलर प्लेन वाले को देखोगे अगर ये सरफेस है ऐसा, तो ये जाके ऐसे हिट करने वाला है ना, नहीं समझा? तो ये ऐसे हिट करेगा और ये ऐसे हिट करेगा, हाँ है ना, सही है? नेल पता है, नेल खीला, सही है? एक सरफेस है, गीली मट्टी है, मैं ऐसा देखता हूँ ऐसा, तो जाके फंस जाएगा ना, मतलब पास हो गया ना, बट अगर वही नेल को ऐसे पकड़े देगा तो फंसेगा कि बाउंस बैक करेगा, ऐसा कर तो उछलेगा ना ऐसा, सही है? कभी बचपन में वो गेम खेला है चिप वाला, पानी में फेंकते तो वो बाउंस करता है, आप अगर ऐसा फेंकोगे ऐसा तो पानी के अंदर जाएगा, और अगर उसका ऐसा फेंकोगे ऐसा तो पानी के अंदर जाता है कि जंप करता है, इट विल बाउंस ना। तो ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल ना, और ये क्या हुआ? वर्टिकल। इस हिसाब से ये क्या हुआ? वर्टिकल। ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। एक काटते हो कहीं कभी?
ऐसा काटते हो क्या? लाओ बर्थडे ऐसे कट करते हो ना, सो यू होल्ड द नाइफ लाइक दिस ना, और वर्टिकल ऐसा नहीं कट करते, हाँ ना? कुत्ते तक को समझ आइए, खड्डा ऐसा खोदता है कि ऐसा खोदता है? बोलो वर्टिकली हाथ मारता है कि ऐसे साइड हटाता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल ना, ये समझा? वैसा ही है। अरे कटिंग में पॉइंट बॉल अगर तोड़ना है तो हैमर को भी ऐसे ही मारना पड़ेगा ना, क्रॉस करके मारोगे बाउंस करेगा ना ऐसा? नहीं समझा? तो कौन सा वाइब्रेशन अंदर जाने का चांस किसका ज्यादा है, वर्टिकल का या हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर जाता है, वर्टिकल वाला अंदर चला जाता है ना? नहीं समझा? इसलिए वो प्लेन पोलराइज लाइट में सर कौन सा वाइब्रेशन रह जाता है, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, ध्यान मत कर गया, कौन सा रह जाता है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा रह जाता है? हॉरिजॉन्टल। और कौन सा चला जाता है? वर्टिकल। कुछ एब्जॉर्ब कुछ पास हो जाएगा, है ना? क्लियर है ये? yes. सही है, फाइन। हेलो, अभी हमको ये पोलराइजिंग एंगल कितना होता है फाइंड आउट करना है। एक और चीज यहाँ पे होती है जब ये पूरा इवेंट होता है ना, वन मोर थिंग विच टेक्स प्लेस हियर, व्हेनेवर रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज ऑलवेज 90, इज ऑलवेज व्हाट? 90। पर ये कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? पोलराइजिंग एंगल। और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो रहा है? कंप्लीटली पोलराइज। जब ऐसा होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच एंगल कितना होता है? 90। नहीं समझा? समझा। तो इसलिए देखो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो, r डैश प्लस 90 प्लस r, ये कितना होगा? 180। ये दिखता है कि नहीं? ये देखो इधर ऐसा, r किसके इक्वल होगा? ip ना, तो r डैश प्लस ip कितना होता है? 90। तो r डैश क्या होगा? 90 माइनस आई। बोलो कहाँ से कहाँ जा रहे हो? रेलर टू प्रिंसर ना, तो कौन सा मीडियम है रेलर? ये कौन सा है? सही है, येलो। सो म्यू टू अपॉन म्यू वन, रिफ्रैक्शन हो रहा है यार, साइन आई अपॉन साइन आर डैश। बोलो म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई पी ना, और आर डैश क्या है? साइन ऑफ 90 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा? 10 आई पी ना, जो किसके इक्वल होगा? म्यू टू अपॉन म्यू। तो बोला आई पी क्या है? अगर पहला मीडियम एयर है तो म्यू वन का वैल्यू क्या होगा? 1 ना, देयरफॉर आई पी क्या होगा? 10 इनवर्स ऑफ म्यू, हाँ ना? बोला आई पी किस पर डिपेंड करता है? म्यू पे ना, और म्यू किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ मीडियम पे ना, और आई पी किस पर डिपेंड करता है? क्या बोलते हो? आई पी डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द मीडियम। तो बोलो हर एक मीडियम का अलग अलग मटेरियल से बनता है, वाटर ग्लास ये ना, सबका म्यूजियम होता है क्या? अलग अलग। देखो फॉर वाटर बोलो म्यू कितना होगा? 1.3। आई पी कितना होता है? 50 डिग्री। फॉर ग्लास आई पी आता है 50-70। समझ में आ रहा है? मतलब वाटर के सरफेस पे पोलराइजेशन कितना एंगल पे होगा? वाटर के सरफेस, ग्लास के सरफेस पे? 57। डिपेंड्स ऑन द मीडियम, है ना? कैसे वर्क? चलो और भी फॉर्मूला बन सकता है इसके, ये रहा ना दूसरा फॉर्मूला है, ये वाला है म्यू टू अपॉन म्यू वन के नाम से भी रिटर्न इज व्हाट? लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू मी वन बाय, ये भी फॉर्मूला है ना इसका आई डी क्लियर है ये? सो दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, है ना? सर ना रहा है ये रिजल्ट भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू बड़ा काम आता है। चलो और एक चीज आपको याद रखना, लास्ट पॉइंट अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज
है यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सही है। Plane of polarization and plane of vibration. ध्यान देना इधर, pay attention here. How will it work? What is plane of vibration here? Plane of incidence के perpendicular to plane of incidence. अरे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो प्लेन है, वाइब्रेशन हो रहा है पोलराइजेशन के बाद, है ना। तो बोला ये वाला प्लेन ना, तो ये क्या है प्लेन ऑफ इंसिडेंस ना, और ये क्या है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस को परपेंडिकुलर है कि उसको पैरेलल है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है ना। और यहाँ पे क्या है प्लेन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, हाँ नहीं समझा। अरे बाबा जो प्लेन में इंसिडेंस हो रहा है वही प्लेन का तो वाइब्रेशन जा रहा है। अरे यार ये वाइब्रेशन प्लेन के अंदर ही है ना, तो यही क्या है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यही क्या है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि ये वाला वाइब्रेशन चला जा रहा है ना। तो जो प्लेन में वाइब्रेशन है वही प्लेन ऑफ क्या है पोलराइजेशन, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, हां ना समझा, क्लियर है ये। और कौन सा वाइब्रेशन रह जाता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कौन सा चला जाता है क्लियर है ये। दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, सो नोट डाउन करना है।
So done. Okay, yes, this completes your polarization, which after we left with bidirectional part, that will complete our chapter. ठीक है? चलो कल continue करते हैं. Bye bye.